हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, आईएसआई क्रिएटेड एन इकोसिस्टम टू टेक डाउन मेजर गौरव आर्या। उनको इतना डर लग रहा है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। अगर इनको इतना ही डर लग रहा है एक इंडियन के बोलने से, तो इनको कहो पहले तो अपने वहाँ पे पाकिस्तानी रिएक्शन जो कर रहे हैं उनको टेक डाउन करें ना, जो अपने खुद ही कंट्री के अंदर फ्रॉड वे से इंडिया की जय जयकार कर रहे हैं, उनसे डर नहीं लग रहा। यहाँ तो हर एक इंडियन यही बोल रहा है जो मेजर गौरव आर्या बोल रहे हैं, सबको टेकडाउन कर लेंगे क्या? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आईएसआई ने कॉल वॉल करा कि कामरान भाई ऐसा है कि वो तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेजर गौरव आर्या के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं आदिल राजा, तो आप प्लीज़ उनको एक्सपोज ना करें और आप प्लीज़ सपोर्ट करें इसको। मुल्क आपने ले लिया जिद में कि मुल्क बनाना है, पाकिस्तान बनेगा, चलाना आपको आता है। इमरान खान, मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूँ। लीडर मतलब जो लीड करता है, लीड कौन करता है, लीड आगे से करा जाता है। 1.1 बिलियन जो मुकेश अंबानी का घर बनाए ना एंटीला, वो भी इससे ज्यादा महंगा है, जितना पूरा पाकिस्तान को तिगड़ी का नाच नचा दिया आईएमएफ ने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने ट्वीट भी करा था यार कल, थोड़ा सा ना ये पाकिस्तान में दोबारा डिस्कशन हो रहा है। मैं किसी दिन विस्तार से आपको पूरी ये पाकिस्तान जो गेम खेलता है ना, खास तौर से मुझे लेके, मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि है क्या चक्कर, ये पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये माजरा क्या है। दोस्तों इशू कुछ ऐसा है कि कामरान यूसुफ नाम के एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शकल तो बता एक वीडियो अच्छा ये छोड़ा हवा में कल। अच्छा। और किसी ने मुझे भेजा, जाहिर सी बात है, सम वेल विशर सम फ्रेंड सेंड मी दिस वीडियो। अच्छा उसमें कुछ उन्होंने बात बोली थी। अच्छा कामरान साहब ऐसा है कि इज अ वेल नोन टेलीविजन एंकर, वेल नोन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है कि इज अ नोबडी कि कल कोई ऐसे मुंह उठा के आ गया, ऐसा नहीं है। एंड ही इज अ पर्सन हु हैज कनेक्शंस विद द एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट मतलब पाक फौज के साथ कनेक्शंस। ये जो वीडियो है, मैं उनका लिंक दे रहा हूं, आप उनका वीडियो जाके देखिए, छह मिनट के बाद से देखना, या फिर आपको एक्चुअल वीडियो देखना है तो आप मेरे ट्विटर पे जाइए, आप ट्विटर पे देख सकते हैं वो बेटर। लेकिन ये जो वीडियो के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, ये मैं आपको इसमें भी दिखाता हूं। आप सिर्फ वॉइस सुनिएगा, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं इसलिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ वॉइस सुनिए और ये भाई साहब की फोटो। तो वॉइस से नहीं होता क्या? ठीक है, तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, इसको जनरल फैज के दौर में आईएसआई ने हायर किया, और इनको हायर करने का मकसद क्या था कि वो फिफ्थ जनरेशन जो वॉरफेयर सो कॉल्ड, उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। क्योंकि आपको पता है ना कि भारत के अंदर एक इसी तरह के एक रिटायर्ड मेजर है, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। वो अगर आप देखें तो एक टीवी शो के ऊपर इंडिया में प्रोग्राम भी करता है, वहाँ पे कमेंटेटर भी है, और पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, मतलब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में कहा भी जाता है कि, और इसमें कोई हैरान कौन होने वाली बात नहीं है कि शायद वो रॉ का एक एसेट है और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पाकिस्तान जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये ख्याल है कि क्यों ना हम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मेजर है रिटायर्ड उसको तैयार करें, जो एग्जैक्टली वही काम करे लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नजर को आगे लेके आए, और जो रिटायर्ड गौरव आर्या जो प्रोपेगेंडा करता है वो जो पाकिस्तान की तरफ से ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे, और खुद का दिमाग पाकिस्तान का नुक्ता नजर है और जो मेजर फोकस है वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था इसका मकसद। ये वीडियो यार कल का है, और इसमें कह रहे हैं कि एक कोई पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर है आदिल राजा। अब मेजर आदिल राजा से तो मैं कभी नहीं मिला, आई हैव नेवर मेट मेजर आदिल राजा, ना मैं उनको जानता हूं, मिलना भी की जरूरत भी नहीं है। कभी अगर किसी ने कोई वीडियो भेजा होगा तो भेजा होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कभी उनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है मेजर आदिल राजा से, मैं उनको नहीं जानता। अच्छा तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी आईएसआई को
जो उनकी खुफिया एजेंसी है, और ISPR को जो उनका प्रोपेगेंडा सेल है पाकिस्तानी फौज का, जब उनको ये लगा कि मेजर गौरवारिया दिल्ली से बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत इसका सो कॉल्ड कोट अनकोट प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम भी एक गौरवारिया तैयार करें, ये इनका प्लान था। तो इन्होंने साहब एक गौरवारिया तैयार करा मेजर आदिल राजा के रूप में। तो मेजर आदिल राजा को टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए गए, टेलीविजन के प्रोग्राम्स करिए क्योंकि मैं भी करता हूं टेलीविजन के प्रोग्राम्स। तो बोला कि साहब गौरवारिया की कार्ड आदिल राजा है, आदिल राजा को टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए जाए। तो उनको टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए गए, उनको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करा गया। और जब उन्होंने एक दो बातें लिखी जो मिस्टर कामरान जिनका ये वीडियो है जिनकी आपने आवाज सुनी, इनको उनकी बात समझ में नहीं आई, तो फिर क्या हुआ कि देन दे स्टार्टेड यू नो एंड वन ही दिस जेंटलमैन कामरान objected to what Adil Raja had tweeted, so then they started calling him. ISI ने call वॉल करा कि कामरान भाई ऐसा है कि वो तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेजर गौरवालिया के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं आदिल राजा को, तो आप प्लीज उनको एक्सपोज ना करें और आप प्लीज सपोर्ट करें इसको। तो फिर वो बात आई गई हो गई। फिर क्या हुआ, बीच में इमरान खान का मामला आता है, और इमरान खान का मामला आते ही मेजर आदिल राजा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामरान, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामरान, ये आदिल राजा साहब जो है, मेजर आदिल राजा फॉर्मली ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये जाते हैं और ये अपनी ही फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड, और बहुत बड़ा सरदर्द बन जाते हैं अपनी फौज के लिए, अपने चीफ के खिलाफ, इसके खिलाफ। ये वही तो नहीं है जिनको जेल में दिखाया था, उसी की बात कर रहे हैं क्या? तो इनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर ये लंदन चले जाते हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में लंदन चले गए, देयर विल बी सम प्रॉब्लम, कोई और है, लाइफ को थ्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो देन ही गोस टू, तो ये स्टोरी सुनाई है। अब देखो ना यार, देखो ये जो कहते हैं कि गौरवारिया प्रोपेगेंडा करता है, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता। आपने देखा होगा कि ट्वीट भी है मेरे, 90% ट्वीट्स, राइट, 90-95% प्रतिशत जो मेरे ट्वीट्स होते हैं उसके नीचे कोई न्यूज आर्टिकल होता है, राइट। और ज्यादातर अगर पाकिस्तान के ऊपर बोल रहा हूं तो पाकिस्तानी न्यूज आर्टिकल होता है, कभी कभी इंडियन भी होते हैं, कभी कभी फॉरन भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई कोट, और मैं अटैच करता हूं कि मैं इसके ऊपर ये कमेंट कर रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल अटैच्ड है, तो उससे क्या होता है, एट्रीब्यूशन हो जाता है उससे, ये आपको पता है कि यार मेजर गौरवारिया जेन्युइन बात कर रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कुछ भी बोल देते हैं कि मुझे पता लगा है ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी और ये हुई थी, मुझे पता है कि ये खुफिया एजेंसी ने इस तारीख को ये सूटकेस दिया उसको, उसमें इतने पैसे थे, ये सब फालतू की बकवास है, ठीक है। और ना मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज है, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी है, मैं तो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बताता हूं कि ये लोग ये कर रहे हैं, और फिर मेरा एनालिसिस है, फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर जो मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वहां पे, या कोई भी है जो मुझे खबर देते हैं, लेकिन वो भी खबर मैं आपको ऐसे नहीं लाके देता कि किसी ने पाकिस्तान ने मुझे, पाकिस्तानी ने मुझे खबर बता दी और मैंने आपके सामने, नहीं, बिकॉज यू एक्सपेक्ट जेन्युइन न्यूज फ्रॉम मी। आपको लगता है कि मेजर गौरवारिया का चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें सच पता लगेगा, और सच कैसे पता लगेगा कि आपको एट्रीब्यूशन चाहिए, यानी कि यार ये न्यूज आर्टिकल है जिसको कोट कर रहे हैं, तो दिखाओ सबके सामने, झूठ क्या बोलना है इसमें। तो ये सब इनको लगा कि पाकिस्तानियों को, ISI को लगा, तो फिर ये थ्रेट्स भी मेरे पास आना काफी शुरू हुई उस जमाने में, अभी भी आती हैं थ्रेट्स कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, दुनिया भर के लांछन मेरे ऊपर कि इसने कश्मीर में इतने लोगों को मार दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज है, कभी विस्तार में आपको बताऊंगा। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं यार, देखो आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेजर गौरवारिया ने फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर झूठ बोला है, करेक्ट, तो मैं तो हार ही जाऊंगा ना, न्यूज दिखा रहे भैया, कोई मेजर आदिल राजा मेरे खिलाफ खड़े करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक साल के बाद मैं हारूंगा, मैं जीत नहीं सकता। झूठ के पैर इतने लंबे नहीं होते कि वो दौड़ता रहे, वो झूठ गिर जाता जमीन पर, पाकिस्तान गिर रहा है ना, झूठ के पैर से चल रहा था, आप मुझे हरा नहीं सकते, आप 10 मेजर आदिल राजा खड़े कर दो, आप मुझे नहीं हरा सकते। बात यह नहीं है कि गौरवारिया की क्या कैपेबिलिटी है, बात यह है कि गौरवारिया सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, एंड ये बाइनरी है ना, जिसको साइंस में कहते हैं ना बाइनरी, आपने पढ़ा होगा, जीरो और वन, दिस इज अ जीरो और वन सिनेरियो, दिस इज अ बाइनरी सिनेरियो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप पूरी फौज सामने खड़ी कर दीजिए, वो फौज हार जाएगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ एंड लाइज। तो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो जरूर कमेंट्स में लिखें और जरूर यू नो ये बात सोचने की कोशिश करें कि व्हाट इज द ट्रूथ हियर, सच के पीछे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख लो पाकिस्तान कितना घबरा रहा है, इनके हिसाब से ये रा के एजेंट हैं, तो हम सब जो पाकिस्तान खिलाफ बोलते हैं हम सब रा के एजेंट हैं, तो ये तो फिर हमारे अगेंस्ट भी सब करने लगेंगे। नहीं ये देखिए वो बात कर रहे हैं कि क्योंकि एंटी पाकिस्तान न्यूज़ आती है और सिर्फ एंटी पाकिस्तान न्यूज़ को ही बताया जा रहा है, तो उनको उसी की तकलीफ़ हो रही है। अब ये एंटी पाकिस्तान न्यूज़ आ रही है
वो घर में तो कोई क्रिएट कर नहीं रहा, किसी न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात हो रहा है, अब उनको एंटी लग रही है क्योंकि न्यूज़पेपर वाले जो भी छाप रहे हैं वो सच्चाई छाप रहे हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनको। अब इसमें एंटी क्या है, वो किसी न्यूज़पेपर ने उस चीज़ को छापा, उसने न्यूज़पेपर अपने जो भी चेक्स किए होंगे करके वो छाप दिए, उनका डेटा है उन्होंने छाप दी और यहाँ पे उसकी डिस्कशन हो रही है, तो न्यूज़ की डिस्कशन यहाँ पे हो रही है, दैट्स हाउ इट इज़। अगर उनको न्यूज़ ही पसंद नहीं है तो उनको न्यूज़ को फिक्स करना पड़ेगा, ना कि लोगों को जो न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, और अपनी तरफ से वही कि भैया यहाँ पे इंडिया में इन्होंने ऐसे किया है, तुम भी अपना एक कोई रिटायर्ड, हमारे पास न्यूज़ नहीं है ना, नहीं, और वो रिटायर्ड बंदा भी ऐसा लिया कि वही आर्मी के अगेंस्ट हो गया और उसके बाद भाग गया वहां से। पहले मुझे लगा वो जो दिखाया नहीं था एक कि जिसको जेल में डाल दिया है, मेरे को लगा वो बोल रहे हैं, पर जब उन्होंने बोला भाग गया, मतलब ऐसे कई इनके पास हैं, एक जिसको पकड़ सके उसको तो पकड़ के जेल में डाल दिया और जो नहीं वो भाग गया है। तो इन्होंने बड़े सारे कोशिश किए खड़े करने के लिए, पर सारा कुछ जो है उनका रॉन्ग चला गया। मैं कह रही हूँ उनको व्यूज क्या आएंगे, सारे पाकिस्तानी जो हैं वो तो हमारे कंटेंट पे रिएक्ट करते और जय हो करते इंडिया की, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए। तुम्हारे चैनल में कोई इंडियन तो जाके बोलेगा नहीं, तुम्हारे तो वैसे ही वो जो भी चैनल खोलोगे वो फ्लॉप ही जाएंगे, है ना बात ठीक। तो भैया कमाल की बात है कि इनके पास खुद कोई ब्रेन्स नहीं है, इंडिया क्या कर रहा है उस पर ही देखते रहते हैं, इनकी ISI भी, इनकी गवर्नमेंट, सारी लोगों का नज़र बस इंडिया के चैनलों पर ही है, खाली उनके लोगों की नहीं है जो पाकिस्तानी रहते हैं। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।